हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में कि जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आप क्या उपाय करें, क्या सावधानी बरतें, ये सब भी बताएंगे। और आज के दिन आपको किस फील्ड में नौकरी मिलेगी, विदेश यात्रा का क्या योग है, हेल्थ और वेल्थ की क्या स्थिति रहेगी, ये सारी बातें बताएंगे। किससे आज आपको लाभ होने वाला है, किससे होने वाला नुकसान, घर में कब बजेगी किलकारी, कब और कब बजेगी शहनाई, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित अगर कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप निसंकोच क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम लिखिए, जन्मतिथि लिखिए, जन्म समय लिखिए, जन्म स्थान लिखिए और लिख करके अपना प्रश्न भेज दीजिए, ताकि मैं अगले कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में कि जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको अपने फर्टाइल आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की जरूरत है। आज आपकी माली हालत अच्छी होगी। यदि आप सरकारी नौकरी या सरकार में जाने हेतु अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, विरोधी सक्रिय होंगे और जो खड्यंत्रकारी हैं वो विफल रहेंगे और नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा। यदि आपने करियर अपना शिक्षा के क्षेत्र में बना रखा है तो आज आपको शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। यदि आप आध्यात्मिक लेवल पर कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन समय घर बनाने के लिए, तो घर आप बनवा सकते हैं। और रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा होगी और आपकी जो प्लान है, नई तरह की योजनाएं हैं, सब सफल होते हुए दिख रही है। यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए तरह के कार्य होने से मन आपका प्रसन्न रहेगा, शुभ कार्य होने का भी योग बन रहा है, भाई बहनों का सुख मिलेगा, घर में कुछ नए तरह के कार्य हो सकते हैं जिसकी प्रबल योग बन रहा है। यदि आप नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, राजनीतिक लाभ मिलेगा और भी कई तरह के कार्य होने की संभावना दिख रही है। रोग और शत्रु जो विरोधी हैं वो सक्रिय होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका समय अनुकूल है तो कोई भी कुछ नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगा। पाइपलाइन में जो कार्य चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी, संतान की प्रगति होगी और विरोधी जो है कोई नया नया खड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप विरोधियों पर प्रभावी रहेंगे, कोई आपका कुछ बिगाड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। घर आप बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन समय चल रहा है, भाग्य आपके पक्ष में है, तो जरूरत है पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव करने की। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आपको हमेशा मन में सकारात्मक विचार रखना है और सकारात्मक विचार लेकर के चलेंगे तो सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। आज आपको उपाय क्या करना है, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है सफेद। हरे कृष्ण।